मेरे पास यह 2.25 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े की चौड़ाई 45 इंच है और इसमें जो प्रिंट है उसकी वजह से हमें इसको आड़ा बनाना होगा। तो हम सबसे पहले इस कपड़े को एक तरह से इस तरह से आइडिया लगाएंगे कि हमें अपनी कुर्ती की चौड़ाई कितनी लेनी होगी। यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स लेनी होगी, 3/4 स्लीव्स हमें बनानी है। तो पूरा कपड़ा हम स्लीव्स का निकाल लेंगे, ये जुड़ी हुई साइड है। अभी हम निकाल नहीं रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। तो हम यहाँ से हमारी जो सीने का जो था हिस्सा था अपनी चौड़ाई करके हम स्लीव्स की चौड़ाई का एक आइडिया लगा लेंगे। हम यहाँ पर 10.5 इंच तक रखेंगे। इसके बाद हम इस चीज़ को चेक करेंगे बचे हुए कपड़े को, ये 17 इंच की चौड़ाई आ रही है। तो हम अंगरखा कुर्ती में इतना घेरा तो रख सकते हैं। ये चेक करने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को पहले बिछाया, 17 इंच नीचे से इस कुर्ती की हमारी चौड़ाई रहेगी। तो हम इसमें से 1 इंच और कम कर लेंगे, 16 इंच। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें अंगरखा कुर्ती बनानी है तो फ्रंट और बैक अलग अलग कट करना होगा। तो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को थोड़ा छोटा कट करना होगा। तो इस तरह से इसलिए मैंने ये चेक किया। अब हम इस पूरे कपड़े को खोल लेंगे और हम अलग अलग करके चीज़ें निकालेंगे। ये हमारा सिंगल पार्ट है और इसको मैंने इस तरह से डबल किया है और यहाँ से मैं 16 इंच लूँगी। 16 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब हम 16 इंच यहाँ से ले लेंगे, यह हमारा 16 इंच हो गया है। और अब हम इस पर अपने पीछे वाले पोर्शन को पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आगे वाला निकालेंगे और फिर जो बचेगा उसमें से हमारी स्लीव्स बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे तख्ती का आधा, तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। तख्ती के नाम से आपका गला बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल भी गिरता नहीं है, लूज नहीं होता है। तो तख्ती हमारी है 13.5 इंच, तो 13.5 हमारी तख्ती है। तो इसको आप 13.5 पे इस तरह से रखिए और इसको हाफ कर लीजिए, इसे डबल वाला फोल्ड कर लीजिए, तो आपका आधा आराम से निकल आएगा। तो हमारा आधा आएगा तख्ती का 7.25 इंच। तो हम यहाँ से 7.25 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से हम आर्म होल के लिए लेंगे, स्टैंडर्ड साइज मेरा 7.5 इंच है, वह मैं रख लूँगी। और फिर आप अगर आपको टाइट लगता है तो थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम इस जगह से लेंगे सीने का चौथा +2 इंच। सीने का नाप 42 है, 42 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो 42 पे आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए, फिर आप 4 फोल्ड कर लिए, तो बड़ा ईजीली आपका चौथा हिस्सा निकल आता है। तो हमारा चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच। इसमें मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का साथ में प्लस कर लूँगी, तो हमारा आ जाएगा 12.5 इंच। तो हम इस जगह से 12.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम लेंगे कमर लंबाई, कमर लंबाई हमारी है 15.5 इंच, 15.5। अब हम यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा +2 इंच। कमर गोलाई हमारी 38 है, 38 इंच है, तो उसका चौथा +2 इंच करेंगे। 38 का चौथा भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सीने का चौथा लिया था। तो हमारा कमर का चौथा आता है 9.5 और उसमें +2 करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। कमर हमारी 38 है, उसका 1/4 करेंगे 9.5 और उसमें +2 करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ये कर्व स्केल से गोलाई से इसको मिला लेंगे। अब हम हिप लेंथ लेंगे, हिप लेंथ हमारा स्टैंडर्ड साइज 21 इंच है, वह रख लेंगे। हिप राउंड हमारे पास है 44 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 11 और उसमें +1.5 करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है और आड़े कपड़े में हम इसको बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें सीट के 1/4 में +1.5 इंच किया है, नहीं तो हम जनरली 1 इंच लेते हैं। लेकिन आड़ा कपड़े में आप हमेशा थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि आड़ा कपड़ा हिप के यहाँ पर थोड़ा सा टाइट होता है, खींचता है। अब हम इसको भी थोड़ा सा कर्व स्केल से ऐसे मिला लेंगे। अब हमने जो यहाँ 16 इंच ले रखा है, यहाँ से हम ये हिप को तिरछा मिला लेंगे, इसको ए शेप की कुर्ती की तरह कट कर लेंगे। अब हम ये आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो हम तख्ती में लिए हमने, तो यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे। तख्ती का नाप आप जब भी लगाते हो तो इसी तरह से आपको करना होता है, 1 इंच बाहर की तरफ लीजिए। और अगर आप तीरे का नाप ले रहे हो तो 1 इंच अंदर की तरफ लीजिए। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, 1.5, उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। अब हम ये फ्रेंच कर्व से इनको मिला लेंगे। तो पहले हम अंदर वाली लाइन पर इसको रखेंगे और ये जो 1.5 इंच वाला पार्ट है यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। अब हम ये वाले मार्क पे रखेंगे और ये यहाँ पे बाहर वाली लाइन पर इसको ऐसे स्लांट रखेंगे और इसको फिर थोड़ा सा स्केल को नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे। अब हम नेक के निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखूँगी, वह ले लूँगी
और यहाँ से मैं 3.5 मेरा स्टैंडर्ड साइज है, ये मैंने सीधे में लिया है और इसको एक गोल शेप दे दूंगी। मैं नेक की कटिंग पहले ही कर लेती हूँ, आप चाहते हैं तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। और नेक की चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम नेक की और ये बाहर वाले आर्म होल की और ऐसे पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो कपड़ा है इसी से हम इस पर इस तरफ खिसका लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हम इसको इसके ऊपर फैला लेंगे और इस तरफ से हम 1 से 1.5 इंच इसको ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हम अंगरखा की कटिंग करेंगे और उसको वापस इसी पर जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो हम इसमें से अंगरखा पैटर्न की कटिंग करके वापस इसको जॉइंट लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से ये बस 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वो हमें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई साइड से रखना है, इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ख्याल रखना है। और अब हम इसके बराबर ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस वाले पार्ट में से अपनी स्लीव्स बना लेंगे। तो कुछ डिज़ाइन इस तरह से कि हमें एक एक स्लीव्स अलग अलग कर बनानी होगी। हमारी स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके 18.5 इंच ले लेंगे। और हम यहाँ से स्लीव्स की गोलाई निकालेंगे सीने का चौथा हिस्सा। सीने का नाप हमारा है 42 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच। हम यहाँ से 10.5 इंच पूरा ले लेंगे। ये हमारे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है और यह खुली हुई साइड है। यहाँ से हम डीप कटिंग का 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से 1 इंच लेंगे अंदर की तरफ। 1 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसको फिर हम इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। यहाँ की डीप हम 1 इंच रखते हैं तो मैं यहाँ से 1 इंच ले लूँगी और इसको फिर इस तरह से मिला लूँगी। अब यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम लेंगे स्लीव गोलाई का 1/2 प्लस 1.5 इंच। स्लीव गोलाई हमारी है 12 इंच, तो उसका 1/2 आएगा 6, उसमें प्लस 1.5 करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। स्लीव गोलाई हमारी है 12 इंच, उसका आधा करेंगे तो 6 आएगा, उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। अब हम इस निशान से इसको मिला लेंगे इसे स्लांट, और अब हम इसकी पहले ऐसे कटिंग कर लेंगे। एक एक करके हमें स्लीव कटिंग करनी होगी। और स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। और एक और वीडियो है मेरा हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स वाला, वह वीडियो देखकर भी आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ लिया है, इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ से भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ लिया था तो वह बराबर हो, इसके लिए हमने ये किया है। अब हम एक और इसे ही इस पेपर रख कर, क्योंकि ये फ्लावर्स को हमें देखना है कि ये फ्लावर्स हमारे एक जैसे होना चाहिए, तो इसलिए हम अलग अलग कर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम इसी को रख के इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे और ये बचे हुए कपड़े से हम नेक वगैरह तैयार कर लेंगे। अब हम ये जो डीप कटिंग देंगे इसके लिए हम स्लीव्स को पूरा ऐसे खोल लेंगे और ऐसे फैला लेंगे। ध्यान रखें आप सीधा सीधा पार्ट आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, यह आपका एकदम सही तरीका है स्लीव्स की सही कटिंग, वरना आपकी दोनों स्लीव एक जैसी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम ये बैक वाले पोर्शन को हटा देंगे, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखकर ये वाले पोर्शन को ट्रेस कर लेंगे अंदर वाले आर्म होल को। तो इस तरह से रखकर आप ऐसे दबा दीजिए और इससे कटिंग कर लीजिए, तो ये हल्का निशान हमारा आ जाता है, इसको हम डार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें नेक की कटिंग बाद में करेंगे, या आप कैनवास पे रखकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें हम नेक के मार्क जरूर करेंगे। हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच रखनी है, क्योंकि यह हमने एक इंच ज़्यादा रखा था इसलिए हमने यहाँ से 3 इंच लिए है। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक मार्क करना है, अब मैं कट लगा के मार्क कर रही हूँ। अब हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे सीधी साइड पर, यह हमारा सेंटर है। अब हमें जो भी नेक का शेप रखना है हम वह
ले लेंगे। जैसे कि यहां से हम लेंगे नेक की लंबाई 7.5 इंच और यहां से मैं सीधे में इसको 5 इंच लूंगी और ये 7.5 से इसको स्लांट ऐसे मिला लूंगी तिरछा। ऐसे ही मैं यहां से 5 इंच लूंगी और इसको भी ऐसे ही तिरछा ऐसे मिला लूंगी। स्वीट हार्ट नेक ही इस पे बनता है ज्यादातर, या फिर आप राउंड भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्वीट हार्ट नेक बनाना इजी रहता है इस पर। अब हम ये साइड पे कुर्ते का ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो इस पर हम यहां से ये जो नेक है इसके 1 इंच इस तरफ एक मार्क लीजिए, ये हमने नेक का कट लगाया है, यहां पर से हम 1 इंच इस तरफ ले रहे हैं और यहां से हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। और हम इस मार्क को यहां तक मिलाएंगे। और इस मार्क को हम नीचे तक ऐसे मिला लेंगे सीधा। तो हम इस तरह से कर कर भी इसको मार्क को लगा सकते हैं। नीचे तक आपको ये मार्क लगाना होगा। अब हम ये वाले मार्क की और ऐसे कटिंग कर लेंगे नीचे तक पूरी। आप चाहें तो ऐसे डबल फोल्ड करके अपने गले को दोनों तरफ से इक्वल काटना चाहते हैं तो इस तरह से काट लीजिए। यहां से 5 इंच लीजिए, यहां से 7.5 इंच लीजिए और उसको ऐसे तिरछा मिला लीजिए। पहले हम ये गले की कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहां से ये मार्क की कटिंग करेंगे। इस वाले मार्क को हमें कट नहीं करना है। अब हम इसका ये वाला नेक तैयार करेंगे और ये पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर हम ये वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये अंगरखा कुर्ते की कटिंग होती है। अब हम इसके फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये बैक पोर्शन है तो हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सीने का चौथा हिस्सा हमारा था 10.5 इंच, उसमें हम 0.5 इंच प्लस करके 11 इंच यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ से हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा प्लस 0.25 इंच। कमर गोलाई हमारी है 38, तो उसका चौथा हिस्सा आया था 9.5 और उसमें 0.25 इंच प्लस करेंगे तो 10.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 10.25 इंच ले लेंगे। 0.75 इंच आपको प्लस करना है और इसको हम जैसे हमने कटिंग के वक्त निशान लगाए थे उसी तरह से हम इसमें सिलाई के लिए भी ऐसे ही कर्व स्केल से ही मार्क करेंगे। लेंथ ली थी, यहाँ पर हम लेंगे हिप राउंड का 1/4 प्लस 0.5 इंच। तो हिप राउंड हमारे पास 44 है, उसका 1/4 11 आया था और उसमें प्लस 0.5 इंच करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। तो हम वो यहाँ लेकर यहाँ से भी इसे ही कर्व स्केल से मार्क लगाएंगे। तो इन वाले मार्क पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम स्लीव्स में भी मार्क कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। स्लीव्स गोलाई का 1/2 6 है, 12 इंच आए थे तो उसका 1/2 आएगा 6 इंच। हम यहाँ से 6 इंच ले लेंगे और यहाँ से ये देखिए हमारी स्लीव्स है ना बिल्कुल बराबर कटती है सरा से। तो जितना ये वाला पोर्शन है इतना ही आप यहाँ से ऐसे मार्क लगाइए और इसको भी ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ से सीधे चलिए, क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं ना उनके हाथ इस जगह से भी उनके स्लीव्स टाइट होती है, तो इसके लिए हमें इस तरह से ही सिलाई का निशान लगाना चाहिए और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। बस आपको यहाँ पे कोई कोना नहीं बने, आप गोलाई से निकल जाइए। अगर हाँ स्लिम पतले लोग हैं तो उनके लिए आप बस इस तरह से तिरछा से मिला सकते हैं। तो इन निशानों पर हमारी सिलाई लगी। इस तरह से हमारी इसकी कटिंग होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं इस पे ये क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। तो इस कपड़े से मैं क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लूंगी। यह मेरे पास 0.5 मीटर कपड़ा है और कपड़े की विड्थ 34 इंच है। हम इसमें से क्रॉस पट्टी कट करेंगे तो कपड़े को इस तरह से रखकर इसमें से क्रॉस पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कम ज्यादा चौड़ी पतली जितनी आपको लगती है उतनी कटिंग कर लीजिए क्रॉस पट्टी की।
मैंने यह 1/2 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी की कटिंग की है। तो इस तरह से हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले ये नेक तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है यह है, सबसे नीचे मैंने कैनवास रखा है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसको मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर हम ये अपने नेक को उल्टा रखेंगे और मैं इस तरह से ये पूरे पोर्शन को तैयार करूँगी और फिर ये वाले पोर्शन को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको आप इस तरह से रखिए। कॉर्नर पर आकर आप हमेशा सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और टर्न हो जाइए, इससे आपके कॉर्नर बहुत आसानी से बन जाएंगे। और आप चाहें तो अपने नेक को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मुझे ये तरीका बहुत कन्वीनियंट लगता है क्योंकि मैंने इसी तरीके से सीखा था, तो मुझे ये तरीका बहुत कन्वीनियंट लगता है। अब हम इसको इस कपड़े के बराबर बराबर एक्स्ट्रा वाला ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पीछे टर्न कर लेंगे और यहाँ से ये हम मार्क लगा लेंगे कैनवास पे, हमें कितना चौड़ा कैनवास रखना है उतने चौड़े कैनवास की हम कटिंग कर लेंगे। और ध्यान रखें आप सिर्फ और सिर्फ कैनवास की कटिंग कर लीजिए जो आपने मार्क लगाया उसके अकॉर्डिंग। यहां से हम ये कपड़े को अलग अलग कर लेंगे। और अब हम कैनवास से थोड़ा बाहर बाहर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को इस कैनवास के ऊपर फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये कॉर्नर्स पर कट लगा लेंगे। कॉर्नर पर ही नहीं, हम पूरे नेक पर ऐसे कट्स लगा देंगे। हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे और ये वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा सिलाई लगाकर ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरफ से भी कर सकते हैं नीचे वाली साइड से, और इसको ऐसे फोल्ड करके एक नॉर्मल सी सिलाई हमें लगानी है। अब हम ये जो हमने पाइपिंग कट की थी यह लगाएंगे। यह भी हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे लगाना, और पाइपिंग को लगाने का तरीका हमारा ये रहेगा कि हम इससे मेन कपड़े से पाइपिंग को थोड़ा बाहर रखेंगे और एकदम किनारे हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये नेक पर भी पाइपिंग लगा ली है और अब हम इस कॉर्नर वाली जगह पर ये वाली साइड में ऐसे कट्स लगा लेंगे। ये वाले कॉर्नर पर भी हमने कट लगा लिया है, हम इस वाले कॉर्नर पर भी कट लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो एक बार ऐसे और फिर ऐसे हमें फोल्ड करनी है, और आपको जितनी दिखानी है आप उतनी चौड़ी इस पाइपिंग को रखिए। पहले आप पूरी पाइपिंग को फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट करेंगे। अब हमने ये पाइपिंग्स लगा ली, ये वाली नेक पर भी लगा ली और यहाँ पर भी लगा ली। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे पहले, और यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है यहाँ बराबर में एक मार्क लगाएंगे। अब हम इसके बराबर ये हमने यहाँ लिया, तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे सिलाई का जितना सा, और आप
इसके इंच टेप से भी चेक कर लीजिए कि आपका इस पॉइंट से ये जो मार्क है वो कितना आ रहा है, या हमारा आ रहा है 3.5 इंच, तो इस तरफ से भी यह 3.5 इंच होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट 3.5 इंच है। अब हम यहाँ पर ऐसे पिन लगाकर या तो इसे सेट कर लीजिए, या फिर आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं हाथ की, और फिर हम इसको यहाँ पर भी ऐसे ही पिन लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम सीधी सीधी इसको सिलाई लगाते जाएंगे, तो इसमें भी हमें ऐसे पिन लगाने हैं। पूरी हमें सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ एंड पर आकर हम यहाँ से 10 से 11 इंच इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये आपकी चॉइस पर है आप इसे कितना ज़्यादा बंद या खुला रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे कि हमें यहाँ तक ही रखना है। यह खुला हम इसलिए रखेंगे कि हमें अंगरखा का लुक दिखाई दे, इसलिए हम इस पार्ट को खुला रखेंगे। अब हम इस पर सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हम यहीं से मशीन चलाते हैं। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा ऊपर से पकड़ के हमें एकदम पतला सा ऐसे फोल्ड करना होगा। बस आप जब भी फोल्ड करें इनको पकड़ के इस तरह से खींचिए मत, बस आप ऐसे रखिए, दबाइए, और फिर आप दोनों को पकड़ कर इस तरह से खींचिए। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर इस कपड़े से डोरी बनाकर उसमें टसल लगाकर लगाएंगे। इसको अंगरखा का कंप्लीट लुक देने के लिए हम इस तरह से करेंगे। डोरी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक डोरी, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अब हमने ये पीछे वाला पार्ट इस तरह से फैलाया है, और इसी के ऊपर हम ये फ्रंट वाले पार्ट को फैलाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको ज़्यादा रखा था तो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। आप इस तरह से पहले चेक करिए, और फिर उसके बाद आप पीछे वाला नेक बनाइए और उसमें स्लीव्स जोड़ लीजिए, और फिर हमने जो ये फिटिंग का मार्क लगाया है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से हम अपने कुर्ते को कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स जोड़ने के लिए और बैक नेक बनाने के लिए आप मेरी वीडियो कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने नेक को बनाना और स्लीव्स को जोड़ना बताया है, और साइड के स्लिट्स को भी कैसे फोल्ड किया जाता है यह भी बताया है। अब हमने ये डोरी बना ली है, और इस डोरी को मैंने इस तरह से कट करा है, ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, और ये थोड़े से और छोटे, और इनसे मैं इनके ऊपर टसल बनाकर लगाऊंगी। तो ये हमारे कपड़ा है, इससे हम इस तरह से टसल्स की कटिंग करेंगे। दो करके हमें टसल लगाने हैं। ये इस तरह से हमने ये टसल्स कट कर लिए हैं। अब हम ये सबसे छोटी वाली लेंगे, और इन पर पहले ये छोटे वाले बनाकर इस तरह से लगाकर सिलाई कर लेंगे। हर एक पर हम इसी तरह से रखते जाएंगे और इन पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इन सबको ऐसे सीधा कर लेंगे, और अब हम इनको एक दो तीनों को एक साथ पकड़ेंगे, एक छोटा, एक बड़ा और एक बड़ा, इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, अब हम इन सबको आपस में इसके साथ ऐसे जॉइंट कर कर एक सिलाई लगा लेंगे, और इसको हम इस तरह से रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरफ ऐसे कर लेंगे, तो ये देखिए, ये हमारी अच्छी सी ऐसी लंबी सी टसल्स बन जाएगी। अब हमने ये स्लीव्स जोड़ लिए, और हमने अभी साइड की फिटिंग नहीं दी है, और उससे पहले ही हम ये जो हमने टसल बनाई है इसको लगा लेंगे। तो इसको हम पहले एक तरह से यहाँ से ऐसे बांधने के लिए, ये देखिए इस तरह से बोझ ऐसा बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। आप चाहें तो बड़ी बो बना सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर है, और आप चाहें तो इस तरह से दो बार नहीं तीन बार करके भी वो बना सकते हैं। इस तरह से ये तीन का आप लास्ट जैसा बना सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ नीचे से ये छोटी बड़ी होना चाहिए, ताकि वह दिखाई देने में खूब सारी दिखाई दे। तो और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपको कि खुले में आप सिलाई लगाइए तो इजीली सिलाई लग जाएगी। इस तरह से हमारी ये अंगरखा कुर्ती बनकर तैयार है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें,
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।